नमस्कार, मैं रंजना सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। नजीबाबाद मालन नदी के बाईपास पर हर साल बरसात के दिनों में इससे भी ज्यादा बुरी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस बाईपास पर दर्जनों गांव व नगर के एक चर्चित स्कूल के बच्चों का आना जाना व हर रोज हजारों लोगों का आना जाना लगा रहता है। छोटे बड़े वाहन भी यहाँ से हर रोज हजारों की तादाद में गुजरते हैं, पर इस बाईपास पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। सड़क में गहरे गड्ढे होने की वजह से बरसात का पानी भर जाता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी होती है। सड़क में अधिक पानी भर जाने की वजह से सभी लोगों को बिजली के खंभों के बराबर से होकर गुजरना पड़ता है, जहां पर बिजली का एक ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। कभी भी बरसात के दिनों में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस ओर न तो विधायक जी का, न चेयरमैन साहब का और न ही PWD का ध्यान जाता है। लगता है सभी लोग किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। सहनपुर से नसीम अहमद की रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम कोमल है। आपकी क्या मांग है इसको, सड़क को, सड़क के बारे में? बननी चाहिए ये रोड, जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। अच्छा, इस पर कितने लोग गुजरते हैं रोज? इसमें तो बहुत पब्लिक गुजरती है। आजी बोलू भाई। क्या नाम आपका? मेरा नाम रविनाथ है। इसमें जो ये रोड खराब है, इसमें क्या मांग है आपकी? हम तो ये चाहते हैं कि रोड सही बन जाए, जिससे आने जाने वालों को दिक्कत न हो। बहुत से लोग गिरते भी हैं, चोट भी लग जाती हैं, और बरसात में महिलाएं बच्चे सारे लोग जाते हैं, उनकी दिक्कत होती है। आप लोग देख रहे हैं, अरे कई सालों से ऐसे चला गया है। चलिए, धन्यवाद। आपका? सतीश कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? वैली। तो आपकी क्या मांग है इसको, रोड को देखते हुए? तो बनना बहुत जरूरी है, इसके लिए तो बच्चे तो स्कूल के बहुत ही परेशान है, आम पब्लिक तो है ही। तो इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है? कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये हर साल इतना ही होता है, ऐसे भी ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है? इन्होंने डाल दी हो। चलिए, धन्यवाद। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? यहाँ जो आप लोग रोड से गुजरती हो, क्या परेशानी होती है आपको? रोज का आना जाना है, हमारा तो सुबह काम 3-4 चक्कर लग जाते हैं, बहुत परेशान है इससे, बारिश में तो बहुत परेशान है। तो आपकी क्या मांग है? सर, ये जल्द से जल्द ठीक होनी चाहिए, ये उसी होके बननी चाहिए और जल्द से जल्द इसे ठीक करानी चाहिए। धन्यवाद बेटा। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।